से सामान जाता है देखो गाड़ी में। अभी हम सामान सेट कर रहे हैं, ये देखो ये लकड़ लकड़ है सारी। अभी अंदर पूरा शोर शराबा पूरा पड़ा हुआ है और अबीर आ गया। हाँ हाय, हम डिनर कर रहे हैं हमारा, और ये देख रहा है अल्लू अर्जुन की मूवी। क्या हुआ था जंगलपुर के जंगलों में? हमारा तो सही था सामान। इधर देखो ये अमृतसर वाले किधर को चले हुए हैं, ये कैसा सामान लेके उस इट इन्होंने टेंट ही खोल रखा। मुझे लगता कहते चलती गाड़ी में ही सोएंगे भाई। निकल गए फाइनली। यो धुंध हो कोई बीच में, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे धुंध, लेकिन है रास्ते में धुंध। धुंध और धुएं के बीच में, स्मोक के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ है दलजीत, और इस बार थोड़ी काया पलटी, जहां मैं होता था वहां मैं, ये उल्टा हो गया। जहां मैं होता था वहां अनुराग, जहां अनुराग होता था वहां मैं। पीस लेग पीस। गेस करो हम कहां जा रहे हैं। हाँ भाई, गेस करो कहां जा रहे हैं। बताओ भाई हम कहां जा रहे हैं। गेस करो। करो गेस। यार हमने ना गलत मोड़ ली गाड़ी। पक्का? चल चल कोई ना, अब तो रॉन्ग साइड जा रहे हैं अब हम। हाईवे हमारा रॉन्ग जा रहा है भाई। होगी एंट्री पाजी किन्ने लो फिर। भाई न्यू टनल एक और ओपन हो गई है फाइनली। आई गेस मुझे लग रहा है ये मंडी वाला जो वो जहाँ पे सबसे ज्यादा शोर शराबा होता है ना मिट्टी, वो शायद सब कट जाएगा। बाकी देखते हैं कहाँ को निकलता है ये रास्ता। वेलकम तो दे रहा था हमें, कोई आगे नहीं दिख रहा। हाँ एक गाड़ी दिख रही है बड़ी दूर से, तो हम जा रहे हैं। दो गाड़ियां दिख रही है। हाँ तीन तीन तीन। नहीं मेरी निगाह इतनी नहीं है, मुझे दो ही दिख रही। तीन तीन तीन। ये इसने, आपको पता तो है इसने बकवास करनी होती है। वो देखो चार होगी। लाल लाइटें चार। तेरी आंखें हिल रही हैं भाई ज्यादा। लाइटें चार होगी देखो चार। हाँ चलो देखते हैं ये वाला ना, ये वाली टनल कितनी लंबी है और ये कहाँ निकलती है, फिर बताते हैं हम आपको। लंबी है भाई ये वाली टनल। फिर से कंटिन्यूटी में टनल नंबर 7 लिखा आ रहा है ये, यार उसका नाम वगैरह तो बताया नहीं है इन्होंने, बट चलो व्हाटसो एवर भी टनल खुल गई है। पहले भी थी, फिर पहले नहीं थी लेकिन अब खुल गई है। है खुल गई है। नहीं मोनू ये वही वाली है, बड़ी वाली है भैया। यार नहीं है, वो नहीं है, ये अभी खुली है। ये बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया टनल लग रही है। ये देखो कलर्स के कंट्रास्ट देखो, हो वीडियो में बढ़िया लग रही है, सुंदर है। कैसा लगा? ठीक था। ठीक था चाय? प्याज वाला भी ठीक था और दूसरा था वो भी ठीक था। तेरे लिए दोनों बेस्ट थे। दोनों जुड़ बोल रहा है, जुड़ बोल रहा है। दोनों ठीक थे। घंटा ठीक थे, फिर ठीक थे। या फिर तूने पहली बार खाया डॉग से? नहीं थे भाई। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। हम आए हैं जिमनी में और ये देखो हमने इसके बैग बनवा लिए थे। इनमें बस बहुत सामान है, बहुत सामान। ये देखो ये वाले बैग में तो हमारे पूरी फुल लकड़े हैं, उसके बाद भी सामान पीछे पूरा फुल है। नहीं है ठंडा, दस डिग्री है, मनाली दिया गल्ला करिए, दो गल्ला करिए, प्यार दिया दो गल्ला करिए, दो हो गया है। तो ऐसा है कि हम क्रॉस कर गए हैं कुल्लू मंडी। मंडी मंडी हमने भाई क्रॉस कर लिया, और अभी मौसम जो है अभी 9 डिग्री है रात को, और टाइम हो गया 2:33। हम बड़े प्यार से जा रहे हैं, नींद बिल्कुल नहीं है, थकावट नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या खाया था,
क्या खाया था? डोसा। डोसा और पीछे से एक पागल आ रहा है बड़ा तेज, इसको हम देते हैं साइड क्योंकि हम नहीं चाहते हमें कोई डिस्टर्ब करे जब हम वीडियो बनाए। जाओ सर, जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, हमें कोई जॉब देना है यार। ओहो तुसी ना हटे हो। तो भाई तुझे कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस, मतलब नाइट में ठंड लग रही इसको 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 अभी से ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है इसको। इसका आगे जाके क्या होगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अभी तो ये प्लस 10 में है जब अभी तो माइनस में जाना है। हमारी तो गाड़ी छोटी सी है, हम तो आराम से निकल जाएंगे। ये रास्ता भी था भाई, ये रास्ता थोड़ा सा टाइट है बट मजेदार रास्ता है, मजा आता है यहाँ पे। ज़िगज़ैग ड्राइविंग होती है अच्छी खासी। और अगर मैं बोलूं नवंबर में आना मनाली तो आप आ सकते हो आराम से, क्योंकि मौसम इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं है। अभी रात के 2:30 बजे हुए हैं, 2:30 से ऊपर ही हो रखे हैं मतलब, और 9-10 डिग्री दिखा रहा है। दैट मीन्स 9 डिग्री दिखा रहा है, 19 डिग्री है तो 19. मेरे हिसाब से मनाली में 6 या 7 डिग्री होगा, तो जो कि ठीक है अगर आप मनाली प्लान कर रहे हो नवंबर में। हाँ बट दिसंबर में थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा और भी ज्यादा, मतलब और कम हो जाएगा। और बट एक प्रोबेबिलिटी होती है दिसंबर में ना बर्फ गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके आना। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हो तो थोड़ा सोच के ही आना, और अगर हाँ बर्फ गिरती है तो फिर तो बिल्कुल ही, क्योंकि गाड़ियां फिर बहुत स्किड करती हैं। सोलांग वैली साइड तो वैसे जाने की जरूरत नहीं है, मनाली में ही बहुत बर्फ गिर जाती है, तो वहीं पे आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, आज प्रेडिक्शन लिखी हुई है ऊपर लाहौल बेल्ट में कि आज स्नोफॉल होगी। अगर होती है तो फिर हम आपको दिखाएंगे लाइव स्नोफॉल। उसी के चक्कर में ही आज हम निकले हैं। आज है 15 नवंबर, 15 मतलब खत्म हो गया, 16 नवंबर हो गया स्टार्ट। देखते हैं बर्फ होती है कि नहीं, मिलते हैं आपको मनाली में, फिर बताते हैं क्या है लाइव अपडेट्स। तो मैं बात कर रहा था ना वो जो न्यू टनल की, जहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कि वो न्यू टनल है या नहीं है, हमें तो लगी थी। तो हाँ जी, एक न्यू टनल, 2 न्यू टनल जिन्होंने ओपन कर दी है, और जिसका बेनिफिट हुआ जो मंडी में मंडी का रश होगा वो हम बाईपास कर जाया करेंगे। बट एक थोड़ा सा नुकसान भी है कि जो मंडी का गुरुद्वारा साहिब है वो उसके दर्शन नहीं होंगे बाहर से, जो हम हमेशा करते थे। बट वो सारा जितना भी हॉच पॉच एरिया था ना मंडी का, वो सारा कट गया, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी। और मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेट करें दिन में चलें तो आधा पौने घंटे का तो आराम से रास्ता बच गया है। और अभी हम हैं कहाँ पहुँच गए हैं हम सड़क पे पहुंच गए। पहले हम हवाई जहाज में थे, हम कुल्लू पहुंच गए हैं भाई, और टाइम हो गया 3:22। ठंड बहुत लग रही है ठंड बहुत लग रही है बहुत ज़्यादा। इसको ठंड ही लग रही है भाई, तुझे ठंड ही लगनी है फिर सारी वीडियो में। अब ये वीडियो है और दिलजीत की ठंड और ये देखो 8 डिग्री दिखा रहा है। कुल्लू पहुंच चुके हैं, ऐसा है कुछ कुल्लू बाहर से नाइट में, और 4:12 को अराइवल है हमारा समझ लो मनाली में। पहुंच रहे हैं बस स्लोली। वही फाइनली हम पहुंच गए हैं मनाली और पैक हो गए हैं। मैंने ग्लव्स वगैरह डाल लिए, सब पैक्ड हैं, क्योंकि यहीं पे यार ठंड ने और हवा ने बैंड बजा रखे हैं। समझ नहीं आ रहा ऊपर क्या ही हाल होगा जब लाहौल बेल्ट में घुसेंगे या सोलांग में जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 4:15 और हम यहाँ से निकलेंगे 6 बजे, 1.5 घंटा आराम करके गाड़ी में। अभी हम गाड़ी में आराम कर रहे हैं। और कौन सी गाड़ी पे आए हैं? हम आए हैं जिमनी में। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम इसके बाद 1.5 घंटे बाद उठ के हम निकलेंगे लाहौल की तरफ को टुवर्ड्स डारचा, और डारचा तक की नेक्स्ट वीडियो होगी
आप इंजॉय करना, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड.